आज एक बहुत ही ऐतिहासिक इस प्रकार का एमओयू हमने किया है। पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट जो होती है पीएसपी, इसमें स्पेशली केंद्र सरकार की जो एनएचपीसी है और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाली टॉरेंट है, इन दोनों के साथ मिलाकर 13,500 मेगावाट के हमने पीएसपी के प्रोजेक्ट्स की आज एमओयू साइन किए हैं। इसमें कुल इन्वेस्टमेंट 71,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है और तकरीबन 30,000 का एम्प्लॉयमेंट इसमें तैयार होने वाला है। और इसके कारण अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र में महाराष्ट्र एक नई ऊंचाई पर जा रहा है, तो मुझे लगता है कि आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। इसके साथ साथ जिस समय हमारी सरकार आई थी तो मैंने कहा था हम एफडीआई में महाराष्ट्र को वापस नंबर वन पर ले जाएंगे। 5 साल जब मैं मुख्यमंत्री था तो महाराष्ट्र 1 नंबर पर था, उसके बाद हमारी सरकार गई तो गुजरात 1 नंबर पे आया, उसके बाद कर्नाटक 1 नंबर पे आया, लेकिन वापस हमारे मुख्यमंत्री शिंदे जी के नेतृत्व में सरकार आने के बाद अभी अभी आंकड़े घोषित हुए और महाराष्ट्र ही एफडीआई में नंबर वन हुआ है और हम सब राज्यों से आगे चले गए हैं। तो जो लोग ये कहते थे कि महाराष्ट्र से उद्योग इधर जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट वहां जा रही है, आज उनको करारा जवाब इन आंकड़ों ने दिया है।